नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और इस पे हम लोग बिहार बोर्ड के मैथ का अध्ययन करते हैं। कक्षा 6 का ये है, ऐसे ये तो इस पे 6 से 10 तक का वीडियोस आना है, लेकिन ये आप कक्षा 6 में हैं और प्रश्नावली 2.1 में है। और प्रश्न संख्या क्या है? 6 है। प्रश्न क्या है? 50 से 80 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? आपको पता है, जीरो से स्टार्ट करके आप अनंत तक, इन्फिनिटिव तक चले जाइए, ये सभी क्या है? पूर्ण है, मगर जीरो से स्टार्ट करके। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि क्या 70, 71, 72, 73 क्या है, ये पूर्ण संख्या है? तो ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, ये गिनती की संख्या भी है। तो पूर्ण संख्या 50 से 80 के बीच कह रहा है। तो ये जो मैंने टाइमलाइन बनाया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है कि बीच के लिए कह रहा है। तो बीच के लिए हम क्या करेंगे? बीच में कितने आ रहे हैं हमारे? 51 से 79, ये हमारे बीच के हैं। 50 और 80, ये तो हमारे दोनों साइडर हैं, साइड से हैं। इसके बीच का पूछा गया है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 50 और 80, 50 से 80 तक में अगर पूछ दिया जाए कि 50 से 80 तक में कितने पूर्ण संख्याएं हैं, तो आप 50 से 80 सीधा आप बोल देंगे कि 30 है। लेकिन अब आपसे पूछ लिया गया है कि 50 से 80 के बीच में, तो ये जो बीच का भाग है, तो इसमें ना 50 है ना इसमें 80 है। इसको समझने के लिए ऐसे भी मैं आपको कह सकता था कि आप अगर 50 में 30 को ऐड करते हैं तो आपका 80 होता है। तो 50 तो हट गया और 80 का एक नहीं लेना है, तो आपके पास 29 रह जाता है। आप इसके आंसर को 29 पहुंचा देते, लेकिन आपको समझना है कि ये कह क्या रहा है, इसलिए सवाल जो कह रहा है उसको जरूर समझना चाहिए। तो अब देखिए, 51 से 79 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. तो अब आपका टोटल कितना हो गया? 50 to 80, कितना हो गया? 29। इसमें क्यों 29 हो रहा है? ना 50 आ रहा है ना 80 आ रहा है। अगर इस 50 को भी ले लेंगे और इस 80 को भी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। लेकिन इस दोनों को छोड़ के चलना है, तभी हम इस आंसर तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि इसके बीच की संख्या को पूछा गया है। मतलब अगर आपसे कहा जाए कि किसी जगह पे 4 लड़के खड़े हैं या 3 लड़के खड़े हैं और पूछा जाए कि बीच में कौन खड़ा है, तो जो बीच में होगा आप उसी का नाम बताएंगे। सपोज ये राम है और ये श्याम है और ये घनश्याम है। आपसे पूछा गया कि बीच में कौन है, तो ये राम श्याम है, तो आप श्याम ही ना बोलेंगे, इसको और इसको नहीं ना बोल देंगे, या फिर इसमें और भी हैं, इसमें और भी हैं। पूछा जा रहा है कि बीच में कितने लोग हैं, तो ये 3 ही है ना, ये दोनों तो दोनों साइडर हैं। इसी तरह से इसमें आपको दोनों साइडर पे 50 और 80 को रखना है, और इसके बीच में जो संख्याएं हैं वो क्या है हमारे? सभी के सभी पूर्ण संख्याएं हैं, सभी के सभी ये संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या है, और फिर पूर्ण संख्या भी हैं। तो मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्लास में। लेकिन जाते जाते आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करेंगे। और इंग्लिश अगर सीखना है तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से, आप उस चैनल पे जरूर जाएं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर यूट्यूब में आप जाके सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। वहां से आप ट्रांसलेशन सीख सकते हैं, ग्रामर सीख सकते हैं, और भी इस क्लास के इंग्लिश को भी वहां पे पढ़ाया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस।